4 जून को हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले अटलाकोटी में हिमस्खलन होने से कुछ श्रद्धालु वहां पर फंस गए थे। सूचना की जानकारी पर यात्रा मार्ग पर तैनात SDRF की पुलिस टीम के द्वारा तत्काल रेस्क्यू करते हुए मौके पर पहुंचकर गहन सर्चिंग करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद शाम को ही 5 व्यक्तियों जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे को रेस्क्यू कर साकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। वहीं इसके अलावा एक अन्य की सर्चिंग हेतु रात भर ऑपरेशन चलाया गया और ITBP और भारतीय सेना को भी रेस्क्यू के लिए अटलाकोटी भेजा गया था, लेकिन देर रात तक एक महिला लापता थी जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहीं आज सुबह से ही हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर लगातार रेस्क्यू जारी रहा। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी में ग्लेशियर टूटने से एक महिला श्रद्धालु की तलाश में SDRF, भारतीय सेना और ITBP के द्वारा आज सुबह से एक बार फिर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया और लापता महिला श्रद्धालु को बर्फ में खोजा गया। महिला को खोजने के बाद महिला का शव जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं कल से मार्ग बंद होने के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया था, जिससे अब रास्ता बनने के साथ ही एक बार फिर से सुचारू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा इस समय चरम पर चल रही है। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहे हैं। ये थी चमोली से उत्तराखंड तक के लिए कमल नैन की रिपोर्ट।